बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान इस इंडस्ट्री के टॉप मोस्ट एक्टर्स में से एक हैं, लेकिन उनका शक्ल भी किसी से छुपा नहीं है। एक नॉन फिल्मी बैकग्राउंड से आने वाले शाहरुख खान ने इस इंडस्ट्री को एक से बढ़कर एक हिट फिल्में दी। लेकिन क्या आप ये बात जानते हैं कि सब कुछ होने के बाद भी एक बार शाहरुख अपनी ही बेटी की डिमांड पूरी नहीं कर पाए? आपको बताएंगे क्या है ये डिमांड, बने रहिए हमारे साथ। आपके पास सब कुछ है, इसका मतलब ये नहीं होता कि आप अपने बच्चों की हर एक डिमांड को पूरी कर पाएं। इसका उदाहरण खुद बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख हैं, जो एक बार अपनी ही बेटी सुहाना खान की डिमांड पूरी नहीं कर सके, और इस वजह से सुहाना इतनी नाराज़ हुई कि उन्होंने अपने पिता से बात करना बंद कर दिया और उनकी क्लास तक लगा दी थी। इस बात का खुलासा खुद शाहरुख ने किया है। दरअसल बॉलीवुड के बादशाह किंग खान को सिगरेट पीने की बुरी आदत है, जिस पर अपने पापा की हेल्थ के बारे में सोचते हुए सुहाना ने शाहरुख से सिगरेट छोड़ने की मांग की थी और एक प्रॉमिस भी लिया था। इस बात का खुलासा खुद शाहरुख ने किया है। ये बात तब की है जब शाहरुख अपनी फिल्म रावण के प्रमोशन में बिजी थे। उसी दौरान शाहरुख ने बताया कि सुहाना ने उनसे स्मोकिंग ना करने की मांग की और एक प्रॉमिस लिया कि वो सिगरेट नहीं पिएंगे, लेकिन आदत से मजबूर शाहरुख ऐसा करने में फेल हो गए। इसके बाद सुहाना ने पापा शाहरुख खान की खूब क्लास लगाई थी। इवेंट के दौरान शाहरुख ने बताया कि यह शर्मनाक है कि हम फिल्मों में धूम्रपान नहीं करने की सलाह देते हैं, लेकिन असल ज़िंदगी में खुद ही इसका पालन नहीं करते। मैं इसे वाकई में छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन मुझे वक्त ही नहीं मिल रहा। शाहरुख ने बताया, इस आदत को छोड़ने के लिए काफ़ी समय की ज़रूरत होती है। मेरी बेटी ने मुझसे कहा कि आप स्मोकिंग करना छोड़ देंगे। मैं छोड़ तो नहीं पाया, लेकिन मैंने सिगरेट पीना कम कर दिया है। दिन में 6-7 बार ही सिगरेट पीता हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस संख्या को और कम कर सकूँ। शाहरुख खान के वर्क फ्रंट की अगर बात करें तो वह जल्द ही पठान फिल्म में दीपिका पादुकोण के अपोजिट नज़र आने वाले हैं। वहीं फिल्म में सलमान खान और कैटरीना कैफ भी कैमियो करते हुए नज़र आएंगे। तो कैसी लगी आपको ये रिपोर्ट, कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर ज़रूर बताएँ। और ऐसी वीडियो को आगे पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही सब्सक्राइब करें, और जुड़े रहें हमारे चैनल नेक्स्ट 9 लाइफ के साथ। धन्यवाद।